हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गार्निश किचन में फिर से स्वागत है। आज मैं गार्निश किचन में आपके लिए लेके आई हूँ मसालेदार गार्लिक लच्छे पराठे की रेसिपी। ये इतना ज्यादा क्रिस्पी और इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसकी एक एक लेयर अलग से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल के अंदर एक कप आटा लिया है। अब इसके अंदर हम एक तिहाई चम्मच अजवाइन और एक चम्मच कसूरी मेथी को हथेली पे अच्छे से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटा लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, दूध में आटा लगाने से एक तो हमारे पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे और दूसरा, अगर आप पराठों को सफर पे भी लेके जाते हैं तो आपके पराठे बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे आटा लगभग लग चुका है। अब इसको हम अच्छे से मथेंगे ताकि इसके अंदर की सारी पपड़ियाँ पूरी तरीके से निकल जाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे आटा लग चुका है। अब इसके ऊपर हम एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल का डालेंगे और आटे को वापस से मथना शुरू करेंगे ताकि इसके ऊपर की और अंदर की सतह में अच्छे से मॉइस्चर आ जाए। इससे हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगा। दोस्तों, आटा अच्छे से लग चुका है और इसकी सतह बिल्कुल अच्छे से चिकनी हो चुकी है। अब हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, जब तक हमने आटा रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, आइए तब तक हम पराठे के लिए मसाला इकट्ठा करके रख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक तिहाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसके अंदर हम एक तिहाई चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से सभी मसालों को मिलाते हुए इनके अंदर की सारी गांठें पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारे पराठे का मसाला अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों, हमारे को आटे को भी लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। बॉल पे से पॉलीथिन रैप हटाने के बाद हम आटे को फिर से 1 से 2 मिनट तक मथना शुरू करेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से चिकना हो जाए। आटा हमारा पराठे के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे को यहाँ पे लेयर पराठे बनाने के लिए यहाँ पे आटे की लोई हमारे को थोड़ी सी मोटी लेनी होगी ताकि हमारी लेयर बिल्कुल अच्छे से पराठे से निकल के आए। अब हम आटे की लोई को अच्छे से रोल करते हुए इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको रोटी की तरह बेलना शुरू करेंगे। दोस्तों, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए बच्चे रोज कुछ ना कुछ नया और टेस्टी मांगते हैं। अगर आप पाव भाजी, छोले भटूरे किसी की भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर रोटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से बेल चुकी है। अब हम एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे और पराठे के ऊपर अच्छे से फैलाते हुए लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, पराठा बनाते हुए अगर हम रिफाइंड ऑयल पराठे के अंदर लगाते हैं, इससे हमारा पराठा क्रिस्पी भी बनेगा, खस्ता भी बनेगा और हमारा पराठा फूलेगा भी। दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे लच्छा पराठा बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लगाया है। अब हम सूखा आटा सारे पराठे पे अच्छे से फैलाते हुए छिड़क लेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो मसाला बना के तैयार करके रखा था, वो जिस तरीके से हमने आटा छिड़का है, उसी तरीके से सारे पराठे के ऊपर हम मसाला भी छिड़क लेंगे। दोस्तों, आप पराठे में मसाले की मात्रा अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये मसालेदार पराठा है, इसीलिए खाली आप इसको अचार के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम पराठे की एक साइड उठाएंगे और इसको जिस तरीके से हम साड़ी की प्लेटें बनाते हैं, उसी तरीके से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पराठे की अच्छे से परतें बनाने के बाद अब हम इसको लिटा लेंगे और इसको गोल करते हुए इसको रैप करना शुरू करेंगे। पराठे की लेयर को गोल शेप में घुमाते हुए हम इसके आखिरी के सिरे को ऊपर पराठे के ऊपर चिपका देंगे और अच्छे से दबा देंगे। दोस्तों, हमारे लेयर पराठे की लोई बन चुकी है। अब हम थोड़ी सी कलौंजी लेंगे और पराठे के ऊपर थोड़ा सा चिपका देंगे। इससे हमारा पराठा थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनेगा और देखने में सुंदर भी बनेगा। अब हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे और वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा चिपका देंगे। इससे भी हमारे पराठे के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। दोस्तों, अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब हम आटे की लोई को पराठे की शेप में बेलना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे को बेलन को चलाते हुए बेलन के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना है, नहीं तो पराठे के आटे पे ज्यादा दबाव होने की वजह से पराठे के अंदर जो हमने लेयर्स बनाई हैं वो खत्म हो सकती हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पराठा अच्छे से बेल चुका है और हमारे पराठे के ऊपर लेयर्स भी बिल्कुल अच्छे से अभी तक भी बनी हुई हैं। अब हम तवे को गर्म करेंगे और इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। पराठे के एक साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद अब हम पराठे को पलट देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल या देसी घी, जो भी आप चाहे, इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे और पराठे को अच्छे से क्रिस्पी करना शुरू करेंगे। दोस्तों, क्योंकि लच्छा पराठा ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होता है, इसीलिए इसको सेकते हुए इसके ऊपर घी ज्यादा लगता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पराठा दोनों ही तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक चुका है और अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसको हम तवे के ऊपर से उतार लेंगे।
दोस्तों आप इस पराठे को मखनी दाल के साथ, शाही पनीर के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे उसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम मक्खन लेंगे और पराठे पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा देंगे और पराठे को बिल्कुल अच्छे से बचूर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे पराठे के अंदर एक एक लेयर बिल्कुल अलग से दिख रही है ना, कितना क्रिस्पी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।